શું કહેવાનું છે? પ્રોબ્લેમ હે ડિપ્રેશન। बीमारियों को दूर करने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरे देश में योग का जोरदार प्रचार किया। माने हमारी जीवनीय शक्ति को घटा देते और इसी से सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फिर योग गुरु के ही अनुसार मिलावटी सामानों से निजात दिलाने के लिए वो व्यापार में उतर गए। एक लीटर पर ये मिलेगा तो लोगों को महंगाई की मार से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ प्रयास हमको भी तो करने पड़ेंगे। लेकिन योग गुरु को देश की चिंता ज्यादा सता रही है और देश की तरक्की का उन्होंने अचूक निदान खोज लिया है। आप भी सुनिए। 25-50 वर्षों में भारत की आबादी 200 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में इतनी आबादी को देश झेलने के लिए तैयार नहीं है। ना तो इतनी सड़कें हैं, ना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ना उतने लोगों के रोजगार है, ना उतने लोगों के लिए हमारे पास में खाने के लिए अन्न होगा, न जीने के लिए जमीन होगी। ऐसे में चाहे वो किसी भी जाति मजहब के लोग हों, 2 से बच्चे ज्यादा जो भी पैदा करें उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, उनको चुनाव में वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए और सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान करना चाहिए। इससे लोग हतोत्साहित होंगे और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो देश के नागरिक गौरव के साथ जी सकेंगे। जनसंख्या का भार देश पर नहीं बढ़ेगा, भारतीय नागरिक होने का गौरव हम अनुभव कर सकते। तो जनसंख्या नियंत्रण देश की तरक्की का नया फॉर्मूला है। हालांकि बाबा रामदेव ने किसी जाति या मजहब का नाम नहीं लिया, लेकिन AIIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी रामदेव के बयान पर बेफर पड़े। दरअसल रामदेव के बयान से माना गया कि उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करके ये बात कही, क्योंकि इसके पहले भी मुस्लिमों की आबादी को लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार बयानबाजियां की गई हैं। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने तो मुस्लिमों की अपेक्षा हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत तक दे डाली थी। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं, मगर दूसरी ओर आबादी के नाम पर एक नए विवाद को हवा दी जा रही है। वैसे जनसंख्या नियंत्रण तो निश्चित तौर पर देश के हित में है, मगर वो किसी जाति धर्म विशेष की नहीं, पूरे भारत की जनसंख्या कम हो तो बात बनी।